हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ग्रेड टू हिंदी ऑनलाइन क्लास। तो हम आज पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 11, यानी 11, लेसन नंबर 11। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम? ऊ की मात्रा, मतलब बड़ी ऊ की मात्रा। आपको पता है बड़ी ऊ की मात्रा इस तरह लिखे जाता है, तब रोमन इंग्लिश में, यानी टू टाइम्स ऑफ ओ, यानी डबल ओ को बड़ी ऊ की मात्रा, रोमन इंग्लिश में टू टाइम्स ऑफ ओ के। तो आप रोमन इंग्लिश में तब बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द लिखेंगे, यानी टू टाइम्स ऑफ ओ, टू ओस लिखना है, डबल ओ लिखना है। तो आप देखिए, किसी अक्षर के साथ ऊ की मात्रा लगाने पर उस अक्षर को उच्चारण ऊ हो जाता है। जैसे कि का को ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा क्या होगा? का को बड़ी ऊ की मात्रा कू। क्या होगा? का को बड़ी ऊ की मात्रा कू। छ को बड़ी ऊ की मात्रा छू। छ को बड़ी ऊ की मात्रा छू। टा को बड़ी ऊ की मात्रा टू। ना को बड़ी ऊ की मात्रा नू। तो इस तरह बड़ी ऊ की मात्रा लगाकर पढ़ना चाहिए। आगे बढ़िए, ऊ की मात्रा वाले शब्द देखेंगे अब हम। तो देखिए, सा प्लस ऊ, तो उसके रूप में कैसा आएगा? सा को ऊ की मात्रा सु। अगर हमने यहाँ कुछ और शब्द लिया, ला ले लिया, अगर यहाँ अक्षर ला लिया तो ला प्लस ऊ, तो रूप में कैसा आएगा? ला को ऊ की मात्रा लू। तो उदाहरण में सू के उदाहरण में क्या लिखा हमने शब्द? सूरज। सा को ऊ की मात्रा सू, राजा रज, सूरज। सूरज यानी सन, सूरज यानी सन। आप यहाँ देखिए चित्र पर, यहाँ पर आपको सूरज दिख रहा है? हाँ, सूरज सन। आगे बढ़िए, ऊ की मात्रा वाले शब्द। तो ऊ की मात्रा वाले शब्द देखेंगे अब। चा प्लस ऊ की मात्रा प्लस हा प्लस बढ़िया की मात्रा। तो चा को बड़ी ऊ की मात्रा चू, हा को बढ़िया की मात्रा हा, चूहा। चूहा यानी अ रैट, ठीक है, अ रैट, आर ए टी रैट। चा को बड़ी ऊ की मात्रा चू, हा को बढ़िया की मात्रा हा, चूहा यानी रैट। आगे बढ़िए, इस चित्र में देखिए क्या अक्षर किस तरह विभाजित किया गया है। आ प्लस बड़ी आ की मात्रा प्लस ल प्लस ऊ की मात्रा। तो आ को यहाँ छोटे आ को आ बड़ी आ की मात्रा लगा रहे हैं। तो हमने सादे यानी छोटी आ को अगर इस तरह बड़ी आ की मात्रा लगाए तो क्या होगा? बड़ा आ बन जाएगा, यानी बड़ी आ। तो दूसरा वाला आ बन जाएगा ना। तो हमें इसे कैसा पढ़ना है? आ नहीं पढ़ना है, आ पढ़ना है। तो आ, ला को छोटी की मात्रा लू, आलू। आलू यानी पोटैटोस, पी ओ टी ए टी ओ ई एस, पोटैटोस। ये आगे की चित्र में देखिए बेटा, फ प्लस लू की मात्रा प्लस ल, फा को बड़ी ऊ की मात्रा फू, और अक्षर ला, फूल यानी अ फ्लावर, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, फ्लावर, फूल, फ्लावर। बालू, बा प्लस बड़ी आ की मात्रा प्लस ला प्लस बड़ी ऊ की मात्रा। तो पहले कैसा मिलाना? बा को बड़ी आ की मात्रा बा, ला को बड़ी ऊ की मात्रा लू, बालू। यहाँ पर ये बालू यानी अ बियर, बी ई ए आर, बियर। तो इस तरह हमने अक्षरों को विभाजित किए गए ने, यानी अलग अलग अक्षरों को मिलाकर हमने शब्द बनाया है। अब आगे क्या करेंगे? यहाँ कुछ अक्षर ही नहीं विभाजित नहीं किया, तो हम सीधा शब्द को ही प्रनाउंस कर पढ़ेंगे, ठीक है, यानी वर्ड को हम खुद प्रनाउंस कर पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए पहला अक्षर क्या है? फा। फा को क्या, कौन सी मात्रा लगी हुई है? फा को
ऊ की मात्रा, फा को ऊ की मात्रा, फू ला फूल। हमने पढ़ा था ना फूल क्या था, अ फ्लावर, फूल यानी फ्लावर। नेक्स्ट आ, ये बड़ी आ है ना, तो आ खींचिए, ठीक है। आ ला को बड़ी ऊ की मात्रा लू, आलू, आलू यानी पोटैटो, पी ओ टी ए टी ओ पोटैटो, ठीक है। तीसरा देखिए, ये कौन सा अक्षर है, रा, रा को कौन सी मात्रा लगी हुई है, बड़ी ऊ की, तो रा को बड़ी ऊ की मात्रा रू प, रूप, रूप यानी स्ट्रक्चर, टाइप, फॉर्म, इस तरह बहुत शब्द आएंगे इंग्लिश में, तो रूप यानी स्ट्रक्चर, ठीक है। एक बॉटल किस रूप में रहता, यानी कौन से स्ट्रक्चर में रहता, एक स्केल कौन से रूप में रहता, एक चौक पीस कौन से रूप में रहता, इस तरह हमें रूप यानी स्ट्रक्चर और एक टाइप। आगे बढ़िए, ये क्या है, साको की मात्रा सू, राजा, रज, सूरज, हमने सूरज पढ़ा था, क्या था सूरज यानी सन, एस यू एन सन, सूरज सन। चलिए धूल, धाकों की मात्रा धू ला, धूल, धूल यानी डस्ट, ड्राई लैंड, जहाँ पे सूखी मिट्टी दिखेगी ना तब हवा आएगा तो विंड्स आएंगे तो धूल बढ़ जाएगी, ठीक है, अपना अपने पर धूल गिर जाएगी, धूल यानी डस्ट, डस्ट पार्टिकल्स। कालू, का को बढ़िया की मात्रा का, ला को बड़ी ऊ की मात्रा लू, कालू यानी कालू यानी ऑल्सो, ठीक है, कालू यानी ऑल्सो। चलिए सा को बड़ी ऊ की मात्रा सू पा, सूप, सूप यानी हम जो वेजिटेबल सूप, चिकन सूप और स्वीट कॉर्न सूप हम बना कर खाते घर पे, वही सूप है ये, सूप यानी एस ओ यू पी सूप, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में हम बनाते ना वही है, हाँ, तो सूप यानी इंग्लिश में भी सूप है। कूदना, का को बड़ी ऊ की मात्रा कू, द, ना को बड़ी आ की मात्रा ना, कूदना यानी टू जम्प, जम्प करना कूदना कहते हैं, डोंट जम्प बोलता मत कूदिए। शूल, शा को बड़ी ऊ की मात्रा शू ला, शूल, शूल यानी थिकनेस, जहाँ पे एक पेंसिल का थिकनेस रहता ना लिड के पास तो वो शूल की तरह दिख रहा, यानी शार्प एज को शूल कहते हैं, शार्प एज जो रहता हर चीज में उसे हम क्या कहते हैं, शूल कहते हैं, इस शार्पनेस को शूल कहते हैं, ठीक है। भालू, ठीक है, भालू, भा को बड़ी आ की मात्रा भा, ला को बड़ी ऊ की मात्रा लू, भालू, भालू यानी, हाँ, भालू यानी अभी हमने पढ़ा था चित्र पे देखकर क्या था, अबियर, बी ई ए आर, बियर, ठीक है। नेक्स्ट कूप, का को बड़ी ऊ की मात्रा कू पा, कूप, कूप यानी वेल, कूप यानी वेल, जैसे कि कुएं के जैसा रहता ना जिस पानी निकालना, हाँ वही कूप, दूसरा अर्थ है। कबूतर, का बा को बड़ी ऊ की मात्रा बू, कबू तर, तर कबूतर, कबूतर यानी हमने पहले पार्ट में क्या पढ़ा था, का से कबूतर कर हमने पढ़ा था, तो कबूतर यानी बर्ड, आप बोलिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाँ सही जवाब है कबूतर यानी पिजियन। इस तरह चूजा, चूजा, चा को बड़ी ऊ की मात्रा चू, जा को बड़ी आ की मात्रा जा, चूजा, चूजा यानी, चूजा यानी, चूजा यानी सेम, यानी छोटे छोटे से बच्चे रहते ना जो मुर्गी के बच्चे, हाँ वही बच्चों को चूजा कहते हैं, चिक, सी एच आई सी के, चिक, तो चूजा कहते हैं उसे, चूजा और चूजा कहते हैं। बालू, बा को बड़ी आ की मात्रा बा, ला को बड़ी ऊ की मात्रा लू, बालू यानी ये भालू अलग, वो बालू अलग, ठीक है, ये कॉन्क्रीट सैंड को हम बालू कहते हैं।
झूला, झा को बड़ी उ की मात्रा झू, ला को बड़ी आ की मात्रा ला। झूला यानी जो हम स्विंग करते हैं ना, वही झूला है जो हम स्विंग करते हैं ना, स्विंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो झूला है। तरबूज, तरा, तर, बा को बड़ी उ की मात्रा बू, तरबूज, जा को नीचे, जा के नीचे सिंगल डॉट यानी बूज, तरबूज यानी वाटरमेलन, WATER वाटर, MELON वाटरमेलन। आगे देखिए पूजा, पा को बड़ी की मात्रा पू, जा को बड़ी आ की मात्रा जा, पूजा यानी प्रेयर, सुबह टाइम पूजा करते ना वही प्रेयर, प्रे करना पूजा। धूप, धा को बड़ी की मात्रा धूप, धूप यानी सन्नी टाइम, सन्नी डे या सन, सन टाइम, ठीक है। जूता, जा को बड़ी की मात्रा जू, ता को बड़ी आ की मात्रा ता, जूता यानी शू, SHOE शू। पाता, पत, ला को बड़ी उ की मात्रा लू ना, पतलून, पतलून यानी पैंट और ट्राउजर, पैंट और ट्राउजर को हम क्या कहते हैं, पतलून कहते हैं हिंदी में, पैंट और ट्राउजर। तो इस तरह हमने शब्द को प्रोनाउंस कर कर उ की मात्रा वाले शब्द को हमने सीख चुके हैं और समझ चुके हैं। आगे देखिए पाठन अभ्यास यानी रीडिंग एक्सरसाइज। सावन आया, खूब पानी बरसा, डल पर झूला पड़ गया, रितु झूली फिर पूजा झूली, रामू कालू का हाथ पकड़ा, घर चल आलू मूली तथा अमृत खा, रूबी उठ आलू ला, चाकू पकड़ आलू का सग बना, राखू आलू का सग पूरी खा, राजू सूरज निकल आया, भगवान की पूजा कर। तो सावन आया यानी सावन किसे कहते हैं हम, रेनी सीजन, ठीक है, रेनी सीजन मतलब यानी बारिश के मौसम को हम सावन कहते हैं। खूब पानी बरसा, खूब यानी हैवी रेन, खूब यानी हैवी रेन हुआ, हैवी रेनफॉल था। डाल पर झूला पड़ गया, डाल, डाल यानी ब्रांच, ठीक है, ए ब्रांच, ट्री में जो ब्रांचेस रहते ना उसे ब्रांच को हम कहेंगे डाल। डाल पर झूला, झूला यानी इस तरह का स्विंग करने वाला झूले को हम झूला कहते हैं। तो डाल पर, इस तरह झाड़ पर झूला पड़ गया। रितु झूली, ये लड़की का नाम रितु है, तो बोलिए रितु झूली यानी रितु ने स्विंग किया है। पूजा झूली, पीछे जो लड़की है वो है पूजा, उसने भी स्विंग किया। रामू कालू का हाथ पकड़ा, रामू ने किसका हाथ पकड़ा, कालू का हाथ पकड़ा, आप ये देख सकते हो। घर चल, वो क्या कह रहे हैं, हाथ पकड़कर घर चलने के लिए यानी लेट्स मूव टू होम। आलू मूली तथा अमरुद खा, आलू मूली, आलू यानी हमने अभी पढ़ा था ना, हाँ पोटैटो, मूली, मूली यानी रेडिश, और अमरुद, अमरुद यानी हमने आ से अमरुद कर कर हमने पढ़ा था, आ से अनार, आ से अमरुद, तो अमरुद यानी गुआवा, जाम को, गुआवा को हम अमरुद कहते हैं। तो उन्हें, उसने अपने दोस्त को क्या कह रहे हैं, आलू मूली और अमरुद खाने के लिए कह रहे हैं। रूबी उठ, रूबी को उठने के लिए कह रहे हैं यानी हम उठा रहे, यानी कुछ काम दे रहा है। आलू ला, आलू ला कर यानी उठाकर आलू लाने के लिए, चाकू पकड़ आलू का सागा बना, चाकू मतलब उसे कट करके आलू का सागा, आलू का यानी डिश बनाने के लिए कह रहे हैं। रखू आलू का सागा और पूरी खा, उसे पूरी के साथ जो हम आलू का ग्रेवी बनाकर खाते हैं ना, हाँ बेसन बनाकर, वही खा रहे हैं साथ पूरी के साथ। राजू सूरज निकल आया, राजू को क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सूरज निकल आया यानी
ये कौन सा मौसम था? सावन का मौसम था और सूरज निकल आया था, यानी सन सन टाइम हो गया था। और भगवान की पूजा कर, यहाँ सूरज निकल आए बाद उन लोग बोल रहे हैं राजू से कि भगवान की पूजा करने के लिए। तो इस तरह हमने वाक्यों भी पढ़े हैं। आप गौर करिए शब्द और वाक्यों में जहाँ बड़ी ऊ की मात्रा लगा के हैं वहाँ रेड कलर से बताया गया है। तो रेड कलर से आप बड़ी ऊ की मात्रा को देखिए। तो आपको इसे कैसा अभ्यास करना है, यानी कैसा दोहराना है, आप पढ़ते समय देखिए बेटा कैसा पढ़ना है। सा को बढ़िया की मात्रा सा, वन सावन, आ या को बढ़िया की मात्रा या, आया सावन आया। तो इस तरह आपको प्रनाउंस करते हुए एक एक सेंटेंस, यानी पहले एक शब्द बाद में दूसरा शब्द, ऐसा दो दो शब्द तीन तीन शब्द को मिलाकर सेंटेंस पढ़िए तो आपको पढ़ने में आसान होगा। चलिए आगे बढ़िए, अभ्यास यानी एक्सरसाइजेस करेंगे। अब ऊ की मात्रा लगाकर शब्द को पूरी कीजिए। हमें यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, शब्द के नीचे यानी हर अक्षर के नीचे ये रिक्त स्थान यानी रेखा दी गई है। जिस अक्षर के पास रेखा यानी अंडरलाइन किया गया है वहाँ आपको ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा नहीं बड़ी ऊ की मात्रा लगाना चाहिए। तो एग्जाम्पल उदाहरण देखिए, सा र ज किसके नीचे अंडरलाइन किया है, यहाँ पे सा के नीचे। तो बड़ी ऊ की मात्रा कहाँ लगाना है, सा के नीचे। तो पढ़िए सा को बड़ी ऊ की मात्रा सू र ज रज सूरज। तो हमने सूरज क्या पढ़ा था, सन, सूरज यानी सन बोलकर हमने पढ़ा था। इस तरह आपको जिस अक्षर के नीचे अंडरलाइन किया गया है वहाँ ऊ की मात्रा लगाना है। आगे देखिए फाला है, ठीक है फाला है, हल हो गया। हमने फल भी पढ़ा था पर इस पार्ट में हमने कुछ और पढ़ा था, फा के नीचे भी अंडरलाइन दिए गए हैं तो फा को क्या लगाना है, ऊ की मात्रा। फा को ऊ की मात्रा फू और अक्षर ला, फूल, फूल यानी फ्लावर। हमने इस पार्ट में फूल पढ़ा था फल नहीं पढ़ा था। हाँ चलिए आगे देखिए, चा को बढ़िया की मात्रा चा, का चाक है, चाक तो हमने नहीं पढ़ा और का के नीचे अंडरलाइन किया था तो का के नीचे ऊ की मात्रा लगाइए। का को ऊ की मात्रा कू यानी चाकू, चाकू यानी नाइफ। ये देखिए अमृद, अमृद है यहाँ पर, और किसके नीचे कौन से अक्षर के नीचे अंडरलाइन किया गया है, रा के नीचे। तो लगाइए रा को ऊ की मात्रा, लगाकर अब पढ़िए आ मा अम, रा को बड़ी ऊ की मात्रा रू द रुद, अमरूद, अमरूद यानी अभी हमें पाठ्य ने अभ्यास में सीखा था अमरूद यानी गुआवा। दूसरा देखिए झाला, झाला बोल के यहाँ पर लिखा है तो अंडरलाइन झा के नीचे है तो झा को ऊ की मात्रा लगाइए। झा को ऊ की मात्रा झू, ला को बढ़िया की मात्रा ला, झूला यानी स्विंग करने के लिए हम जो इस्तेमाल करते ना उसे झूला कहते हैं। इस तरह आगे के पूरे शब्द को जहाँ जहाँ अंडरलाइन कर चुके हैं वहाँ ऊ की मात्रा लगाकर पढ़ते हुए आप इसे करिए, ये आपका असाइनमेंट है। मैंने आपको पांच शब्द समझा दिया था ना, बाकी के रिमाइनिंग एल्स आप करिए, ठीक है। मात्रा वाले शब्द को, शब्द का प्रयोग कर शब्द पूरी कीजिए। यहाँ लेटर्स दिए गए हैं और बीच में कुछ लेटर दिया गया है तो ये अक्षर, जो ये अक्षर जहाँ इस्तेमाल होगा, जिस स्थान पर इस्तेमाल होगा वहाँ लगाकर यहाँ हमें क्या लिखना है, रिक्त स्थान में पूरा शब्द बनाना है, यानी इनकम्प्लीट वर्ड है ये, तो आप इसे ऐड करके पूरा शब्द बनाइए। यहाँ पर देखिए खर खर और यहाँ जा को बढ़िया की मात्रा जा है तो ये बू कहाँ से लेके आए, यहाँ से, ठीक है, इस फ्लावर में से बू को लेकर यहाँ बीच में लिख दिए। तो पूरा मिलाकर पढ़िए, उदाहरण में देखिए खर खर, बा को बड़ी ऊ की मात्रा बू खरबू, जा को बढ़िया की मात्रा जा खरबूजा यानी वाटरमेलन, ठीक है। तो इस तरह जो स्थान में बू के अक्षर लगाकर हमें शब्द बनाना है। आगे की देखिए
और तारा, तो हमें का तारा क्या लिखना है? अगर हम ये बू की मात्रा लगा दिए तो क्या होगा बोलिए? का, बा को बड़ी ऊ की मात्रा बू, तारा तर क्या हुआ? कबूतर। तो लिखिए दूसरे स्थान में, यानी दूसरी लाइन में लिखिए कबूतर। चलिए तीसरा देखिए, बा और ला है, बीच में क्या लिखना है? बू लिखना है। बीच में मिडिल में क्या लिखना है? बू लिखना है। बा बड़ी, बा को बड़ी ऊ की मात्रा बू, ला बाबुल, ठीक है। ये देखिए तारा तर है और जा है, बीच में क्या लिखना है? बा को बड़ी ऊ की मात्रा लिखना है। तो लिखिए तारा तर, बा को बड़ी ऊ की मात्रा बू, जा तरबूज, यानी तरबूज, यानी हाँ तरबूज यानी सही जवाब है, फ्रूट आप भी बोल रहे थे। चित्र के दूसरा भी देखिए, चित्र के नीचे सही शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ हेल्पिंग बॉक्स दिया गया है, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट द करेक्ट नेम एंड फाइंडिंग द नेम। आप हेल्प बॉक्स में उसकी सहायता से देखकर सही शब्द लिखना है। डोंट डू मिस्टेक्स, कॉपी करते समय देख के लिख रहे ना, तो मिस्टेक नहीं लिखना चाहिए। तो देखिए पहला चित्र क्या है? पीजियन। पीजियन यानी अभी हमने पढ़ा था, क्या था? पीजियन यानी कबूतर। पीजियन यानी कबूतर। तो कहाँ है बोलिए हेल्प बॉक्स में? हेल्प बॉक्स में तीसरा ऑप्शन कबूतर, यानी थर्ड नंबर पे कबूतर है। यहाँ से देख के कॉपी कर दीजिए। दूसरा देखिए, ये क्या है? वेट यानी वेट बैलेंसिंग, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम? तराजू। क्या कहते हैं? तराजू। तो देखिए ऑप्शन नंबर फोर, फोर्थ वर्ड कौन सा है? तराजू है, तो यहाँ लिख दीजिए। ये क्या दिख रहा है आपको? फ्लावर्स। फ्लावर्स यानी फूल। लास्ट ऑप्शन क्या है? फाको बड़ियों की मात्रा फू, ला फूल। तो वहाँ हेल्प बॉक्स में लास्ट ऑप्शन फूल है ना, वहाँ देखकर यहाँ फूल के पिक्चर यानी फूल के चित्र के नीचे लिखिए। आगे देखिए, ये क्या है? अभी हमने पढ़ा था पाटन के शुरू में, यानी पाठ के शुरू में हमने पढ़ा था, हाँ बियर, बी ई ए आर, बियर कर कर हमने पढ़ा। तो यानी भालू। भा को बड़ी आ की मात्रा भा, ला को बड़ी ऊ की मात्रा लू, भालू। तो भालू यहाँ दिख रहा है आपको, भालू हमने शब्द में भी पढ़ा था, भालू यानी बियर। तो लिखिए यहाँ भालू। नेक्स्ट ये क्या दिख रहा है? बच्ची झूला झूल रही है, यानी लड़की झूला झूल रही है, यानी झूला हमने पढ़ा था ना अभी वाक्यों में पढ़ा था। आप देखिए कौन कौन झूला झूल रहे थे? रितु झूला झूल रही थी, फिर पूरा, फिर पूजा भी झूली थी, झूला। लिखिए झा को बड़ी ऊ की मात्रा झू, ला को बड़ी आ की मात्रा ला, झूला हमने अभी पड़ा था। झूला यानी टू स्विंग, स्विंग होने के लिए झूला कहते हैं। ते ये क्या है जो हेल्प बॉक्स में बचा था? क्या बचा था शब्द? मूली। मूली यानी रेडिश। माँ को बड़ी ऊ की मात्रा मू, ला को बड़ी की मात्रा ली, मूली। आप यहाँ पर देखिए हेल्प बॉक्स के फर्स्ट शब्द ही मूली लिखा है। माँ को बड़ी ऊ की मात्रा मू, ला को बड़ी की मात्रा ली, मूली। तो इस तरह चित्र को देखकर आप अक्षर यानी शब्द लिखिए। आगे की बिट देखिए, दिए गए प्रत्येक शब्द को पढ़िए और उच्चारण करते समय ऊ की मात्राओं के अंतर पहचानिए। रीड ईच वर्ड अलाउड एंड नोट द डिफरेंस इन प्रोनाउंसिएशन यू एंड ऊ सिंबल, यू एंड ऊ सिंबल। तो हमें छोटी ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द को पढ़कर हमें समझना है कैसी आवाज़ यानी कैसी ध्वनि आ रही है, उसमें कितना फर्क है। तो देखिए पहले कौन सा चित्र है यहाँ पर? रोज यानी गुलाब। तो गुलाब को हमने कैसा पढ़ा? गा को छोटी ऊ की मात्रा गू, ला को बड़ी आ की मात्रा ला, गुलाब गुलाब, तो गुलाब। और यहाँ पे देखिए बड़ी ऊ की मात्रा वाली शब्द है, या ऊ
ऊ को ला पे, यहाँ क्या है दूसरे में, ला की आदि अक्षर यानी बिगनिंग साउंड आना चाहिए, ऊ ल उल उल, ला को बड़ी ऊ की मात्रा लू, उल्लू गुलाब, उल्लू। आपको समझ में आ रही है कितना फर्क है छोटी ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा में, गुलाब उल्लू। यहाँ पर देखिए ता को बड़ी ऊ की मात्रा तू, यहाँ पर छोटी ऊ की मात्रा वाली शब्द देखिए, ता को छोटी ऊ की मात्रा तू माँ तुम, ये बड़ी ऊ की मात्रा तू ये तुम। तो फर्क समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पर देखिए का को छोटी ऊ की मात्रा कू ला कुल, का को बड़ी ऊ की मात्रा कू ला कूल कुल कूल। आपको इस शब्द के बीच में फर्क समझ में आ रहा है? हाँ। सा को बड़ी ऊ की सा को छोटी ऊ की मात्रा सू रा सूर, शा को बड़ी ऊ की मात्रा शू ला शूल सूर शूल। तो आपको समझ में आ रहा फर्क? फा को छोटी ऊ की मात्रा फू ला पुल, दा को छोटी ऊ की मात्रा दू मा दुम, धा को बड़ी ऊ की मात्रा धू मा धुम, दुम धूम दुम धूम। तो आपको इस दो शब्द में भी फर्क समझ में आ रहा है। चा को छोटी ऊ की मात्रा चू पा चुप, सा को बड़ी ऊ की मात्रा सू पा सूप चुप सूप। तो इस तरह हमें छोटी ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द के बीच में जो फर्क यानी प्रनाउंस करते समय कुछ फर्क समझ में आ रहा है ना। तो अब आपको समझ में आया ऊ की छोटी ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा में क्या फर्क है कि आप यहाँ देखिए नीचे दो चित्र दिए हैं, तो बुढ़िया और बूढ़े के बीच में ऊ की मात्रा बड़ी ऊ की मात्रा के, बा को छोटी ऊ की मात्रा बू, डा को छोटी की मात्रा डी, या को बड़ी आ की मात्रा या बुढ़िया। हम बूढ़ा को देखिए बा को बड़ी ऊ की मात्रा बू, डा को बड़ी आ की मात्रा डा, बूढ़ा बुढ़िया भूड़ा। तो इस रिक्त स्थान में नीचे दो अंडरलाइन दो ब्लैंक्स दिए गए हैं ना, वहाँ आप यहाँ से देखकर कॉपी कर दीजिए, बुढ़िया लिखिए यहाँ बूढ़ा लिखिए। तो आगे की बीट में बढ़िए बेटा, शब्द को ठीक कर कर लिखिए। यहाँ कुछ जम्बलिंग यानी स्क्रैम्बल वर्ड्स दिए गए हैं, आप इसे सीधा यानी सही शब्द बनाकर लिखना है। तो देखिए सही शब्द में देखिए, ली मू हमने पढ़ा था नहीं, मूली, माँ को बड़ी ऊ की मात्रा मू, ला को बड़ी की मात्रा ली, मूली रैडिश हमने पढ़ा था। तो लीमू नहीं है गलत है, मूली सही है शब्द। गुबाला, गुबाला हमने पढ़ा था नहीं, गुलाब। तो लिखिए गा को बड़ी ऊ की मात्रा गु, ला को बड़ी आ की मात्रा ला, गुलाब गुलाब यानी रोज। गुबाला गलत है, गुलाब सही शब्द है। सुनाभू हमने पढ़ा था नहीं, तो हमने क्या पढ़ा था साबुन, साबुन रहता सुनाबू नहीं रहता। तो सा को बड़ी आ की मात्रा सा, बा को छोटी ऊ की मात्रा बू, साबू ना साबुन। तो सुनाबू गलत शब्द है, साबुन सही शब्द है। साबुन यानी सोप। रहलू रहलू हमने पढ़ा था नहीं, लुहार हमने पढ़ा था, रहलू नहीं रहेगा लुहार लिखना है। तो लिखिए ला को छोटी ऊ की मात्रा लू, हा को बड़ी आ की मात्रा हा, रा लुहार। तो इस तरह लिखना है हमें, यानी गलत शब्द को सही शब्द बनाकर लिखना है। चलिए आगे की देखिए, अमदरू, अमदरू हमने पढ़ा था नहीं, मूली अमरुद कर कर हमने पढ़ा था पाटन अभ्यास में। तो अमरुद लिखिए आ मा अम, रा को बड़ी ऊ की मात्रा रू, द अमरुद। अमदरु गलत है, अमरुद सही है, अमरुद यानी गुआवा। लभू, लभू है यहाँ, लभू नहीं भूल, भा को या बड़ी ऊ की मात्रा भू ला भूल। तो लभू गलत है, भूल सही शब्द है। लिखिए रसूजा, रसूजा है यहाँ, रसूजा हमने पढ़ा नहीं, हमने क्या पढ़ा
सूरज पड़ा, तो लिखिए सा को बड़ी उ की मात्रा, सू रज रज सूरज, सूरज यानी सन, सूरज गलत है, सूरज सही शब्द है इसका। जूरत, जूरत हमने पढ़ा था नहीं, तराजू हमने पढ़ा था, तराजू यानी बैलेंस करने का जो मार्केट में यूज करते हैं ना वो है तराजू। ता रा को बड़ी उ की मात्रा रू, जा को बड़ी उ की मात्रा जू, तराजू। तो जूरत गलत है, तराजू सही शब्द है। तो इस तरह आपको गलत दिए गए शब्दों को सही कर कर इस रिक्त स्थान यानी इस ब्लैंक्स में लिखना है। आगे की बीट देखिए, चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, उस चित्र के नाम रिक्त स्थान में यानी ब्लैंक्स में लिखना है और वाक्य को पूरा करना यानी वाक्य को पूरा पढ़ना चाहिए। पहला चित्र क्या है? सन, सन यानी सूरज, तो लिखिए सूरज। सूरज निकल आया, क्या पढ़ना है हमें? सूरज निकल आया, तो पूरा सेंटेंस पढ़ना है, तब हम इस चित्र का नाम फिल इन द ब्लैंक में लिखेंगे ना, तब लिखे बाद पूरा सेंटेंस को पढ़िए, ठीक है। अब देखिए ये क्या है? रोज, रोज यानी गुलाब, गुलाब को रोज कहते हैं, तो लिखिए यहाँ गुलाब, गुलाब का फूल, गुलाब का फूल, इस तरह पूरा सेंटेंस पढ़िए। तीसरा देखिए ये क्या है? डॉल, डॉल यानी गुड़िया, गुड़िया उधर रख, गुड़िया उधर रख। ये चित्र क्या है? सोप, सोप यानी साबुन, तो यहाँ साबुन लिखिए और साबुन का पूरा सेंटेंस पढ़िए। साबुन उठा कर ला, साबुन उठा कर ला। ये क्या है? रेडिश, रेडिश को हिंदी में क्या कहते हैं? मूली, मूली मत खा, मूली मत खा। ये क्या है? शू, शू का पिक्चर है यानी हिंदी में जूता कहते हैं, तो लिखिए जूता पहन। सेंटेंस कैसा लिखना, कैसा पढ़ना है आपको? जूता लिखकर पूरा सेंटेंस पढ़ना है, जूता पहन। इस तरह आपको आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस करना है। आखिरी बिट देखिए बेटा, अक्षरों को जोड़कर शब्द लिखिए। जॉइन द लेटर्स एंड राइट द वर्ड्स। मैंने आपको इजी वाले ट्रिक्स बहुत सारे पार्ट में, आगे के पार्टों में बहुत सारी बार सिखाया, यानी अक्षरों को विभाजित किया गया है। इजी ट्रिक क्या था आपको? हाँ, प्लस सिंबल को रिमूव करते हुए पूरे अक्षरों को एक अंडरलाइन यानी एक रेखा के अंदर लिख देना है। तो देखिए अब यहाँ क्या दिया है, पहले बा प्लस उ की मात्रा, छोटी उ की मात्रा प्लस डा प्लस बड़ी की छोटी की मात्रा प्लस या प्लस बड़ी आ की मात्रा। तो इस तरह हमें क्वेश्चन दिया गया था। तो अब हम पहले क्या करेंगे, हाँ हम अक्षरों को मात्राएं से जोड़ेंगे पहले। तो जोड़िए, बा को छोटी की मात्रा बू प्लस डा को छोटी की मात्रा ढी, डा को छोटी की मात्रा ढी प्लस या को बड़ी आ की मात्रा या। इस तरह हम पूरे पहले अक्षरों और मात्राओं को पहले हम जोड़ेंगे, फिर उसके बाद जो जोड़े हुए अक्षर मात्राएं अक्षर हैं उसे हम मिलाएंगे, अब पूरा एक शब्द बनाएंगे। तो बनी पढ़िए, बा को छोटी उ की मात्रा बू, डा को बड़ी की मात्रा डी बुड़ी, या को बड़ी आ की मात्रा या बुड़िया। तो इस तरह आपको पहले मात्रा मिलाना है, फिर अक्षरों को मिलाना है, तब जाकर शब्द बनेगा। इस तरह आपको बनाकर लिखना है। यहाँ देखिए, फा प्लस बड़ी उ की मात्रा प्लस ला, फा को बड़ी उ की मात्रा फू और अक्षर ला यानी फूल। यहाँ देखिए, का प्लस छा प्लस छोटी उ की मात्रा प्लस आ, तो बढ़िए का छा को बड़ी उ की मात्रा छू, खछू आ खछुआ। सूरज, ये क्या है शब्द? सूरज बनेगा। ये क्या बनेगा? मूली। ये क्या बनेगा? मूली।
ये बनेगा तराजू। सा प्लस छोटी उगी मात्रा प्लस मा प्लस ना, तो सा को छोटी उगी मात्रा सु, मा ना मन, सुमन। तो इस तरह आप अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाइए। तो आपका असाइनमेंट क्या था, आपको ऊ की मात्रा लगाकर शब्द को पूरी कीजिए। अभ्यास एक्सरसाइज वाली फर्स्ट बीट आपको अभ्यास करना था और एक्सरसाइजेस में लास्ट बीट भी आपको खुद असाइनमेंट करना है। तो बच्चों आप ऊ की मात्रा वाली शब्द आज सीख लिए ना, आगे हम नए पार्ट से आपसे मिलेंगे, यानी कुछ नए क्लास में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक से आपसे मिलती हूँ। सुरक्षित रहिए, बाय।